हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। और आज का व्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। ये एक मेरा रैंडम सा इवनिंग टू नाइट रूटीन है। तो शाम में, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, मैं दिया बाती से शाम का काम शुरू करती हूँ। और मैंने ये एक अरोमा डिफ्यूज़र लिया था रूम के लिए। इसको मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ और ये इलेक्ट्रॉनिक है। और इस तरह से इसमें से लाइट दिखती है तो बहुत अच्छा सा हो जाता है। तो एक्चुअली तीनों ही रूम में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि शाम में घर इतना प्यारा लगने लगता है, हर तरफ खुशबू ही खुशबू हो जाती है और एक फीलिंग आती है कि शाम हो गई। आपको अगर याद हो तो जब हम छोटे थे ना, तो ज़्यादातर हमारे घरों के नज़दीक मंदिर वगैरह हुआ करते थे और उनकी आरतियों की आवाज़ घर तक आती थी, तो एक अच्छी सी फीलिंग आती थी ना शाम की कि शाम शुरू हो गई। बस वैसा ही मुझे वो क्रिएट करने में अच्छा लगता है, इसलिए बेडरूम में वो वाला अरोमा डिफ्यूज़र मैंने लगाया है। शाम की दिया बाती की है तो यहाँ पे अगरबत्ती लगाई है। और बाहर वाले रूम में एक और दिया है, उसे भी मैं बेसिकली अरोमा डिफ्यूज़र की तरह इस्तेमाल करती हूँ, तो वो भी मैंने बाहर जो है ऑन कर दिया है। जब हम लोग छोटे थे ना, तो शाम हम लोग यूजुअली स्कूल से आके सो जाते थे, बिकॉज़ मैं तो साइकिल से जाती थी, मैं तो बुरी तरह थक जाती थी घर आने तक। फिर शाम में मम्मी जगती थी, वो मुँह हाथ धोती थी, तैयार होती थी, दिया बाती करती थी, तो एक फीलिंग आती थी भाई शाम हो गई, अब शाम के काम शुरू होंगे। तो वो चीज़ मुझे सोच कर भी इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, बस इसलिए आई ट्राई टू क्रिएट ऑल दैट। हालांकि मैं मेरी मम्मी जैसे लाइफ जीते थे उससे बहुत अलग लाइफ जीती हूँ, बट स्टिल अच्छाई किसी से भी ली जा सकती है। और मुझे ये फीलिंग सुबह में आरती से जागना, शाम में आरती से जागना, मेरी बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं इन बातों के साथ। आई फील सो नॉस्टैल्जिक एंड पॉजिटिव। तो बस शाम का काम करने लगी हूँ मैं, थोड़ा सा किचन लंच वगैरह के बाद हो ही जाता है गंदा यार, तो वो थोड़ा साफ़ किया है मैंने। और चने की दाल सोख की है क्योंकि डिनर में मैं इसे इस्तेमाल करने वाली हूँ। और थोड़ा दूध मैं लेकर आई थी जब बच्चों को लेकर आई थी, तो ये दूध बॉयल करूँगी और एक बहुत अच्छी सी मंचिंग की रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। ये मैंने पहले भी बनाई थी पर उसके बाद मैं शेयर करना भूल गई, तो अभी आधे आधे थे ये पैकेट, आधा आधा क्वांटिटी मैंने पहले यूज़ कर लिया था तो वो ख़त्म हो चुका था लॉट मेरा, इसलिए अभी मैं ये दोबारा बना रही हूँ। और ये बहुत अच्छा है, आप इसे बच्चों को थोड़ा सा स्कूल के लिए दे सकते हो, आपके ऑफिस के लिए ले जा सकते हो, आप घर में भी रहते हैं तो भी मंचिंग की क्रेविंग आती है ना, तो हम लोग कुछ भी नमकीन बिस्किट उठा के खा लेते हैं, उससे अच्छा है कि आप ये बनाकर खाइए। एक दो चम्मच ही काफ़ी है, हेल्दी भी है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लिया है देसी घी और थोड़े से काजू मैंने उसमें रोस्ट किए हैं, थोड़े से मूंगफली को मैं रोस्ट करूँगी। और इन्हें रोस्ट करना है स्लो फ्लेम पर जब तक इनमें एक अच्छा सा कलर आ जाए, पूरी तरह ये क्रंची हो जाए। और इनको उतारिएगा एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे जिससे एक्स्ट्रा घी जो है वो हट जाए। और हर बार जो है थोड़ा सा कढ़ाई साफ कर लेंगे ना, तो वो जले की स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि घी भी बहुत देर पकाने से एक अलग सी स्मेल आ जाती है खाने में, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहें। एक चम्मच घी काफ़ी होता है। तो जैसा मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सभी चीज़ों का एक एक पैकेट मंगाया था, आधा एक बार यूज़ कर लिया, आधा अभी यूज़ कर रही हूँ। तो कैश्यूज़ मैंने रोस्ट कर लिए हैं, काजू, मूँगफलियाँ मैंने रोस्ट कर ली हैं, रॉ पीनट्स लिए थे मैंने, और ये हैं सनफ्लावर के सीड्स, ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा कंट्रोल में खाना चाहिए। और इसके बाद मैं रोस्ट करूँगी यहाँ पे सनफ्लावर सीड्स, सनफ्लावर सीड्स मैं रोस्ट कर चुकी हूँ, अब है पम्पकिन सीड्स। तो ये देखिए, ये ग्रीन ग्रीन पम्पकिन सीड्स हैं और ये बहुत टेस्टी भी लगते हैं खाने में। तो मैंने ये चार ही सीड लिए हैं, आप चाहे तो इसमें फ्लैक्स सीड्स, मेलन सीड्स और भी जो चाहे वो सब मिला सकते हो, बादाम डाल सकते हो, मखाने भी डाल सकते हो, टोटली आपकी मर्जी है। पर मखाने डालने से फिर ये थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है क्योंकि मखाने सौगी हो जाते हैं, इसलिए मैं मखाने नहीं ऐड करती हूँ। बाकी सीड्स आप किसी भी तरह के इसमें ऐड कर सकते हो। सबको थोड़े थोड़े घी में रोस्ट कीजिए क्योंकि घी में रोस्ट करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो ड्राई रोस्ट कर सकते हो। घी में रोस्ट करने से दो फायदे होते हैं, एक तो फ्लेवर अच्छा आता है, दूसरा आप इस पर कुछ भी मसाला डालना चाहते हो वो अच्छे से चिपक जाता है। तो मैंने यहाँ डाला है थोड़ा सा चाट मसाला स्वाद के अनुसार,
और अभी सबको मैं एक अच्छा सा टॉस दूंगी, बहुत अच्छे से टॉस दीजिए। इससे क्या होगा, जो मसाला है वो सारा का सारा लग जाएगा नट्स के ऊपर, एक अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी। और गर्म हो नट्स तभी ये प्रोसेस कीजिएगा, ठंडे हो जाने के बाद नहीं हो पाता है इजीली। और एक और अच्छा फ़ायदा यहाँ पे यह है कि आप नीचे एब्जॉर्बेंट पेपर जो आपने लगाया है ना, आप देखिएगा उस पर सारा एक्स्ट्रा घी और मसाला निकल चुका है, एकदम ड्राई क्रंची आपके नट्स तैयार होते हैं। बस इन्हें ठंडा करके डब्बे में भर के रख लीजिए, आप खुद खा सकते हो, हस्बैंड को दे सकते हो, बच्चों को दे सकते हो, बहुत ही हेल्दी है। बस थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल में रखिएगा। और मैं इस तरह की मंचिंग की चीज़ें टाइमली बनाती ही रहती हूँ, बिकॉज घर में जब बच्चे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता उन्हें कितनी बार भूख लगती है, और फिर उनका ध्यान जाता है सीधे बिस्किट नमकीन जो भी घर में रखे होते हैं। इधर मेरा दूध उबल चुका है और बस बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी और इसके बाद मैं वापस आऊँगी किचन में बाकी काम करने। What is this? तुम फेस मास्क बना रहे थे। फेस मास्क हटाओ इसको बेटा। टिश्यू पेपर मास्क। And what are you reading? One of your books. चलो पढ़ाई करो। उठो। Take this. Thank you. Sit, I'm coming to join you. तो ये जो नट्स मैं फ्राई करके बच्चों को देती हूँ, रोस्टेड नट्स, ये इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सानवी खुशी को मैं मखाने रोस्ट करके देती हूँ, वो भी वो बहुत चाव से खाते हैं। और एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो बच्चे बहुत चाव से खाते हैं, वो है मुरमुरे, कुछ जगह पे मुरी भी कहते हैं, ममरा कहते हैं, पफ राइस होते हैं ना, वो भी आप बच्चों को रोस्ट करके दे दीजिए तो वो भी वो बहुत चाव से खाते हैं। एंड आई बिलीव बिस्किट खाने से ये सब चीज़ें खाना ज़्यादा बेहतर है, तो बच्चे लोग थोड़ा सा भी खाएंगे पिएंगे, थोड़ा एक दूसरे के साथ बातें करेंगे। मीनवाइल मैं भी इनके पास बैठ के थोड़ी एडिटिंग कर लेती हूँ, आपके कमेंट्स को रिप्लाई कर लेती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। इसके बाद बच्चे अपना काम करने जाएंगे और मैं मेरा काम करूँगी। दोपहर में बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो एक घंटा कम से कम मैं उन्हें सोने देती ही हूँ, जिससे उनकी थकान दूर हो जाए और शाम के लिए होमवर्क करने के लिए वो भी एकदम फ्रेशन अप हो जाए। तो यहाँ मैं करने लगी हूँ डिनर की तैयारी, और आज डिनर में मैं ये वाली तोरी बना रही हूँ, और इसको हम लोग तुरिया बोलते हैं, तोरी ही बोलते हैं, और मुझे नहीं मालूम इसका नाम क्या है, शायद रिज गॉड बोलते हैं इसको। और ये बहुत टेस्टी सी लगती है, काफ़ी सी सिल्की सिल्की लगती है अगर आपने फील किया हो कभी तो। आज मैं इसे चने की दाल के साथ बना रही हूँ और बहुत लाइट और अच्छी सब्ज़ी होती है ये। तो तोरी वगैरह मैं बेसिकली मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ और मैं इसे बनाने लगी हूँ कुकर में, आप चाहें तो कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हो। मस्टर्ड ऑयल में मैंने जीरा डाला था और इसके बाद डाल दिया है प्याज, अच्छे से प्याज को चॉप किया था मैंने फाइन थोड़ा, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड किया है। अब ये सारी ही चीज़ें मिलाकर मैं अच्छे से भून लूँगी जब तक एक अच्छा लाल सा कलर इन पे आ जाए। और थोड़ी से लाल हो गए हैं मसाले, तो फिर यहाँ पे मैंने डाले हैं पाउडर मसाले। पाउडर मसालों में डाला है मैंने वही हल्दी मिर्ची और धनिया का पाउडर। और जब भी आप प्याज के ऊपर सूखे मसाले डालते हैं तो थोड़ा सा पानी डाल लिया कीजिए, इससे जो मसाले हैं वो जलेंगे नहीं, और कुछ भी अगर बॉटम पे चिपक गया है बर्तन के तो वो भी हट जाता है। अब इसके ऊपर मैंने डाले हैं ये चॉप टमेटोज, और इनके ऊपर थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी जिससे जो कुकिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए, टमाटर फटाफट से गल जाएंगे। और एक बहुत बड़ी सी मिर्च थी ये, इसको दो हिस्सों में तोड़ के मैंने डाला है, बहुत तीखी वाली नहीं है ये, तो ये बेसिकली मैं अपने लिए डाल लेती हूँ किसी किसी सब्ज़ी में, पर ये बहुत तीखी नहीं है, इससे इस सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो ऑल्टर नहीं होता है। तो डाली है मैंने सोक्ड चने की दाल धोने के बाद, और इसे थोड़ी देर अच्छे से मैं मसाले के साथ भूनूंगी, 2-4 मिनट अच्छे से भूनिएगा। इसके बाद मैंने इसी स्टेज पे गरम मसाला ऐड कर दिया है, इस सब्ज़ी में मैं लास्ट में गरम मसाला नहीं डालती हूँ, ऐसे ही बीच में डाल देने से भूनने वक्त बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
और ये है मेरा तुरिया, रिच गॉड कहते हैं इसको। मैंने छील कर धो कर काट लिया था और ये मैं ऐड कर दूंगी सब्ज़ी में, और इसमें से काफ़ी पानी रिलीज़ होता है। यूँ तो तुरिया की सब्ज़ी में ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि मैंने चने का दाल डाला है जो बॉयल्ड नहीं है, तो थोड़ा सा पानी डालना ही पड़ेगा, वरना ये सब्ज़ी एकदम सूखी बन जाएगी और वो फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स नहीं खाते हैं, क्योंकि सूखी दाल अलग तरह से बनती है, वो अलग तरह से अच्छी लगती है। वरना दाल थोड़ी सी विस्कस होनी चाहिए, थोड़ा सा उसमें ग्रेवी जैसा एटलीस्ट होना चाहिए। तो जब तक चना की दाल तोरी को सीटी लग रही है, तब तक मैं बना रही हूँ यहाँ पे रायता। यूपी में बाय द वे इसको बोलते हैं नेनुआ चना दाल, हम लोग इसको नेनुआ बोलते हैं तोरी को, और ये बहुत टेस्टी सी सब्ज़ी होती है, आप ट्राई कर सकते हैं, आपको अच्छी लगेगी। और रायता बना रही हूँ मैं एज़ यूजुअल बूंदी का, और रायता बनाने के लिए मैंने बहुत लोगों को देखा है सीधे दही में बूंदी ऐड कर देते हैं, ऐसे नहीं करिए फ्रेंड्स। हमेशा किसी भी तरह के रायते के लिए आपका जो दही है उसे अच्छे से फेंटिए। इनफैक्ट आप जानते हैं बहुत सारे रायतों की जो रेसिपी है उसमें तो जो दही है उसको अच्छे से छाना जाता है जिससे वो एकदम इवन क्रीमी लगे, इसलिए दही को हमेशा फेंट कर इस्तेमाल करिए। तो दही में मैंने कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए थोड़ा पानी डाला है, बूंदी डाला है और रायता का मसाला डाला है, और इसे मैं रख दूंगी फ्रिज में आधा एक घंटे में। बहुत अच्छे से जो है बूंदियाँ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, दही अब्सॉर्ब कर लेती हैं। और मीनवाइल मैं आटा लगा लूँगी, और आटा जब भी आप लगाते हो तो सिर्फ दो बातों का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है कि आप गर्म पानी से लगाइए या ठंडे पानी से लगाइए, लेकिन दो बातों का ध्यान दीजिए। एक तो आटे में अच्छी तरह से पानी डालिए, इतना पानी नहीं कि आटा लूज़ हो जाए, लेकिन उसे अच्छे से गूंथते रहिए और स्टेजेस में पानी ऐड करते रहिए। तो इससे क्या होगा, आटे में बहुत अच्छे से ग्लूटेन अराइज होगा जिससे आपकी रोटियाँ काफ़ी फ्लेक्सिबल सॉफ्ट बनेंगी। तो ट्रिक यही है, पानी उतना डालिए जितना ज़रूरत है, पर स्टेजेस में डालते रहिए, गूंथते रहिए। एक अच्छी मसाज चाहिए होती है आटे को, चाहे आप पूरी पराठा रोटी का आटा लगाएं या ब्रेड्स पिज़्ज़ा का आटा लगाएं। और दूसरी बात ये कि जब भी आप आटे के साथ काम करना शुरू करें, आपने उसे गूंथ लिया है, लेकिन रोटी पराठा बनाने से पहले उसे थोड़ी देर का रेस्ट ज़रूर दीजिए। तो आटा जब तक रेस्ट हो रहा है, यहाँ पे सीटी लग चुकी थी और प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो गया है नेनुआ चना दाल का, तो मैं बस इसे फाइनली गार्निश कर रही हूँ हरे धनिए से। थोड़ा सा धनिया मैंने रायते में भी डाला है और थोड़ा सा काला नमक मैंने ऐड किया है रायते में काला नमक बहुत अच्छा लगता है। और आप देख सकते हो ये जैसा मैंने बनाया था उससे गाढ़ा हो गया है, क्योंकि बूंदी ने काफ़ी सारी दही पी ली है और वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। और यहाँ नेनुआ चना दाल भी एकदम तैयार है, अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर लिया है, तो जो सारे पार्टिकल्स थे वो सारे, मतलब तोरी चना दाल एक जैसे हो गए हैं और धनिया भी अच्छे से मिक्स हो गया है। आप ट्राई कीजिएगा, काफ़ी लाइट और काफ़ी टेस्टी ये सब्ज़ी होती है। तो बस सानवी खुशी को मैं खाना सर्व कर रही हूँ। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उनके स्कूल जो है ओपन हो चुके हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ वो लोग टाइम से ही डिनर कर लें और टाइम से ही फिर सो जाएँ, क्योंकि छोटे बच्चे अगर पूरा सोएंगे नहीं, उनकी नींद पूरी नहीं होगी, तो फिर वो स्कूल में कॉन्सेंट्रेट कैसे करेंगे, फिर स्कूल में नींद आने लगती है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ सानवी खुशी के स्कूल बस में, सुबह जब बच्चे आते हैं तो कितने सारे बच्चे बस में ही सोए होते हैं। नींद पे जाने क्यों हम लोग इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे हैं, लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है, पर नींद पे ज़रूर ध्यान दीजिए। बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए, मतलब बच्चे लोगों के लिए, हमारे लिए नींद बहुत ज़रूरी है, आपकी ब्यूटी स्लीप ज़रूर लिया कीजिए। तो बस बच्चे लोग अभी खाना खाएंगे, मीनवाइल मैं बाकी जो मेरे काम हैं सुबह की प्रिपरेशन के लिए वो मैं कर डालूँगी। बेसिकली सानवी खुशी की यूनिफॉर्म आयरन करूँगी। इससे क्या होता है, जितने ज़्यादा काम रात में करके रख लिए जाएं तो उतना ही ज़्यादा सुबह में आराम हो जाता है, वरना हर छोटा काम मैं अगर सुबह में करने लगूं तो फिर मेरे लिए सुबह का एक घंटा भी कम है। और ये आयरनिंग बोर्ड के बारे में आप में से बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जानना चाह रहे थे, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो। Thank you.
की थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो और ये रेसिपीज़ पसंद आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हो, और ये दोनों रेसिपीज़ अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप इन्हें एक ट्राई दे सकते हो, शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड आई रिकमेंड आप ये नट्स वाला जो यू नो मंचिंग है ये बना के रखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी हेल्दी है ये। आपकी राय मुझसे कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।